कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत हासिल कर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की। इस बड़ी जीत के पीछे कांग्रेस के 5 बड़े वादों का अहम योगदान रहा जो पार्टी ने जनता से किए थे। तो वहीं शपथ ग्रहण के बाद ही राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी की पहली कैबिनेट बैठक हुई और इन सभी वादों पर मुहर लगाई गई। हालांकि अब कर्नाटक की जनता फ्री वाले वादों को लेकर कंफ्यूज नजर आ रही है। यही कारण है कि जगह जगह से विवाद के मामले अब सामने आ रहे हैं। कांग्रेस ने चुनाव से पहले जनता को जो 5 गारंटी दी थी उसमें 200 यूनिट तक फ्री बिजली और सरकारी बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर की सुविधा भी शामिल है, लेकिन इन दोनों गारंटी को लेकर आम जनता और सरकारी विभागों के कर्मचारियों के बीच विवाद सामने आ रहे हैं। एक तरफ लोग बिजली बिल देने से इनकार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ महिलाएं सरकारी बसों में टिकट खरीदने से मना कर रही हैं। लोगों का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने ये चीजें फ्री कर दी हैं और वो इसके लिए अब पैसे नहीं चुकाएंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि फिलहाल वादे लागू नहीं किए गए हैं, इन पर विभागों से जानकारी मांगी गई है और जल्द ही सभी 5 गारंटी लागू कर दी जाएंगी। बता दें कि बेलागावी के ग्रामीण ने बिजली बिल भरने से इनकार कर दिया है। जिले में कई तरह के ऐसे मामले सामने आए हैं। लोगों ने विद्युत विभाग के अधिकारियों से अपने बिजली के मीटर हटाने को कहा है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। इससे पहले कोपल, कलाबुर्गी और चित्रदुर्ग जैसे जिलों के गांव के लोगों ने भी कथित तौर पर बिजली बिलों का भुगतान करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें अपने बिल का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली देने की बात कही थी। वहीं रायचूर जिले के सरकारी बस में फ्री सफर करने को लेकर एक मामला सामने आया है। यहां एक महिला ने बस का टिकट लेने से इनकार कर दिया। महिला ने कांग्रेस की मुफ्त गारंटी का हवाला देते हुए कहा कि हमने कांग्रेस को वोट दिया है इसलिए हम टिकट नहीं खरीदेंगे। इसको लेकर बस कंडक्टर और महिला के बीच काफी कहासुनी हुई। कर्नाटक के कोपल में एक व्यक्ति ने गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड के एक कर्मचारी पर उस समय हमला कर दिया जब उससे उसकी बिजली की बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की पहचान चंद्रशेखर हिरेमत के रूप में हुई। आरोपी ने साफ इनकार कर दिया है कि वो किसी भी हाल में बिजली नहीं भरेगा क्योंकि कांग्रेस ने फ्री बिजली देने का वादा किया था।